राजनामा दुनिया के साथ मैं प्रिया। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ सम्मन भेजने पर आज अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई। 28 जून को पिछली सुनवाई में शिकायतकर्ता की ओर से 5 गवाह पेश हुए। इनके बयान दर्ज होने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को तय की थी। डिप्टी सीएम ने गुजरातियों को ठग कहा था। इसके बाद गुजरात के व्यापारी हरीश मेहता ने बयान पर आपत्ति जताते हुए केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने इस केस में सुनवाई के लिए पहले 1 मई की तारीख तय की थी, जिसकी अगली तारीख 8 मई और उसके बाद 19 मई तय की गई थी। दरअसल बैंकों का पैसा लेकर भागे हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी का नाम इंटरपोल के रेड नोटिस से हटा दिया गया है, जिसके बाद बजट सत्र के समय तेजस्वी यादव ने पटना में कहा था कि वर्तमान में जो हालत है उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं, उनको माफ भी कर दिया जाता है। इस बयान के बाद अहमदाबाद के व्यापारी हरीश मेहता ने अपने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की अदालत में तेजस्वी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 21 मार्च को तेजस्वी यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज करवाया था। हालांकि तेजस्वी ने अपनी सफाई में कहा था कि उन्होंने सभी गुजरातियों को ठग नहीं कहा। तेजस्वी ने कहा था बैंक लोन दे देती है और पैसे लेकर विदेश फरार हो जाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उनको डराने की कोशिश की जा रही है। ये बातें उन्होंने आरजेडी दफ्तर में हुए मिलन समारोह में कही। बता दें कि तेजस्वी से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी जाति के खिलाफ बयान देकर फजीहत करवा चुके हैं। ऐसे ही बने रहिए राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।